वाले एक रंग के अंदर आते हैं या फिर दो तीन रंग में आते हैं? ये बहुत ही कम अब्दब वालों में ऐसा रिंग मिलता है आपको ना, बहुत कम कबूतरों में ऐसा रंग मिलता है। अभी जो है आप लोगों को डब वाले कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इनके इमाम दिन कबूतर देखे होंगे। अब जो है मेरे हाथ में जो है डब वाला एक पेयर है, मेल मेरे हाथ में और फीमेल जो है शाहिद भाई के हाथ में। शाहिद भाई इनके बारे में ज़रा बताइएगा, ये भी उतने टाइम से रखे हुए इतने टाइम? हाँ, ये भी मेरे पास तकरीबन है 20-25 साल से कबूतर है। काफ़ी समझ बड़ी उम्र का लग रहा है एक तरीके से कबूतर। हाँ, ये भी बड़ी उम्र का कबूतर है। कितने साल का होगा तकरीबन ये कबूतर? ये होगा 10 साल का तो होगा। 10 साल का कबूतर। बस हालत देखें इस कबूतर की, सबसे पहले तो आप ज़रा इसकी शाइनिंग चेक करें इस कबूतर की। माशाल्लाह इतने रोबदार समझ लें, देखें देखें माशाल्लाह काफ़ी जो बुरा मान रहे हैं कबूतर। ये देखें यहाँ देखें, ये देखें आँखें देखें इसकी माशाल्लाह। ये जो साथ साथ है उसकी झुमके भी देखें, कलर चेक करें सबसे पहले तो। अच्छा शायद भी डब वाले एक रंग के अंदर आते हैं या फिर दो तीन रंग में आते हैं? इससे थोड़े से हल्के कलर में भी होते हैं, इश्पत्ती में भी। तो वो फिर आजकल वो रॉयल टेडी के नाम से भी मशहूर हो गए हैं। रॉयल टेडी के नाम से? हाँ, तो वो इन्हीं में से बने हुए कबूतर है रॉयल टेडी, डब वालों में से। अच्छा, डब वाले का मगर कबूतरों में से बने हुए कबूतर है रॉयल टेडी। ये देखें भाई फ्रंट से देखें इस कबूतर को। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो डंडा दिख रहा है ना, इस पर छोड़ के भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, फिर पता लगेगा कबूतर किस तरह के। शायद भाई जो मादी का जगह, ये देखें ये मादी है, ये बिल्कुल अलग कलर से ना। अब ये कुंदे देखें, इसके पंजे देखें इसके, माशाल्लाह से जो कलर जो इसका रंग है वही कलर है, वही इसके पंजे हैं, नाखून इतने बड़े हैं माशाल्लाह, वही इसकी चोंच है। और माशाल्लाह से इसकी आँख देखें, आँख का रिंग, ये बहुत कम अबडब वालों में ऐसा रिंग मिलता है आपको ना, बहुत कम कबूतरों में ऐसा रिंग मिलेगा जो डब वाले कबूतर है। इसके अंदर बिल्कुल ब्राइट, इसका डोरा देखें, इसमें यरकानी डोरा भी है, इसमें ऑरेंज डोरा भी है इसके अंदर। अच्छा, ऑरेंज आँखें होती हैं असल में डब्बा। हाँ, ऑरेंज कलर में जो होती है। ठीक है, इसे जूम करो थोड़ा सा, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। अब इस तरह से जो है ना, कोई माशाल्लाह से शौक है कबूतर का कोई दिखा नहीं सकता। ये देखें माशाल्लाह, बुरा बहुत मानते हैं कबूतर को। मेरे कबूतर से पकड़ता कम हूँ मैं, तो इसलिए जो है ना ये बुरा बहुत मानते हैं। मेल देखें, जो भी आप लोगों को दिखाया था 10 साल का कबूतर है, और इसके साथ जो है मादी जरा छोटी, मादा भी देखें आप, ये भी कितना बुरा मान रहा है। ये देखें कबूतर ने अपने जिस्म देखे किस तरीके से कर लिया, हाथ में पकड़ती, तो ये कबूतर जो पकड़े नहीं आते। अब जो है शाहिद भाई के हाथ में जो कुछ और भी कबूतर हैं डब वाले, उनका भी आप लोगों इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। पहले ज़रा आप ये थोड़ा ज़रा चेक करें माशाल्लाह, जो आप लोगों ने लाजमी कहना है, क्योंकि कबूतर जमा करते करते जो समझ में ज़िंदगी गुजरी आती है, तो कबूतर अच्छा जो हाथ लगता नहीं है। तो माशाल्लाह शाहिद भाई के बाद आप कबूतर देखें, और माशाल्लाह नर मादा देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर के अंदर है, रंगत जो है बहुत ज़बरदस्त है। और ये जितना भी आप लोगों को शौक दिखेगा ओरिजिनल हालत में से, वो जो हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस तरीके से कबूतरों को दिखाना जो है समझ लें उनकी नस्ल के हवाले से ही बताना, तो ये जैसे आप लोगों को टिकट टिकट से दिखेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी जो है शाहिद भाई के हाथ में जो है एक दूसरा जोड़ा जो रखा हुआ है, ये भी जो काफ़ी समझ लें बड़े साइज़ के अंदर। शाहिद भाई ये कितने साल का है? ये पट्ठा होगा 3-4 साल का। पट्ठा है माशाल्लाह, ये देखें पट्ठा बना लिया, मतलब 3-4 साल का, 3-4 साल की उम्र। और ये इसकी आंखें देखें माशाल्लाह, देखिए इसकी आंखें देखें माशाल्लाह, कबूतर उसी तरह की आँखें, आँख के अंदर की जो जालियाँ हैं ना माशाल्लाह, वो अगर आप फोकस, इसके कुंदे देखें माशाल्लाह, पूरा बहुत मानते हैं। शायद भाई ये डब वाले और इमाम दिन एक ही बरादरी का कबूतर है या दोनों? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग कबूतर, दोनों अलग अलग। हाँ, डब वाले बिल्कुल अलग कबूतर। डब वाले जो कहाँ से चले हैं, मतलब कसूर के शहर से? हाँ, कसूर की तरफ से चले ना कबूतर। तो ये देखें भाई, ये देखें, और उसके झुमके भी देखें इसके साथ साथ। ये देखें शेड देखें माशाल्लाह, किस तरीके से शेड लगा रहे हैं कबूतर। अब शायद भाई जो आपको ज़रा इसकी मादा का भी ज़रा शौक करवाएंगे, और मैं ज़रा इनका ज़रा पीछे छोड़ देता हूँ। ये मादा जो है, ये मादा मैंने डब वाले का, इनका जो है बाप था, और मादी
इमामदीन जो थी वो इमामदीन कबूतरों में से थी। मतलब ये तो ये मैंने क्रॉस करा था, अब मैंने इसे दोबारा इसी डप वाले कबूतरों में जोड़ा डाला है ना, तो अब ये देखें ना ये थोड़ा सा, हाँ अब आप देखें कि इसको जो है थोड़ा सा इसकी आँख में चेंजिंग आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वगैरह थे वो सब इनकी चढ़ गए एक तरीके। अब ये इस तरह की है कि इसको अगर परवाज में भी डालेंगे ना हम इस कबूतरी को, तो ये माशाल्लाह से जो है ना ये अच्छा रिजल्ट देगी। फर्दर इसके दिखाइएगा शायद, अभी पट्टी है ये। अच्छा हाँ, मतलब ब्रीड में नहीं डली है यार। हाँ ये नहीं अभी इससे डाली है, शायद मेंढक आँखों में नहीं ये भाई, बड़ी इसकी आँखें थोड़ी बाहर की तरफ निकली। हाँ ये इसके वो लेंस बाहर होते हैं इसके ना कबूतरों के ज़्यादातर। तो ये ज़रा मुझे दिखाइएगा, ये भी ज़रा पीछे, अगर आप भाई ज़रा पीछे ज़रा दिखाएँ तीन कबूतर जो, ये यूवर जिनके जो है डब वाले दो जोड़े थे आप लोगों को दिखाए, एक और अब जो है इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट कैटेगरी आप लोगों को दिखाते हैं जो कि डब वाले कबूतर हैं। हाँ ये दस डब वाले, ठीक है ठीक है। यूवर ये देखें अब जो आप लोगों को डब वाले कबूतरों का शो करवा रहे हैं शायद भाई, ये कौन सी नस्ल है डब वाले? ये भी डब वाले, कलर डिफरेंट इनका नहीं, ये इन्हीं में से इन्हीं के पट हैं ये भी। अच्छा, जो है ना इन्हीं जोड़ में से बनेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। इनकी बड़ी माँ जो थी ना इनकी, तो ये जो उम्र के बहुत ज़्यादा करवा रहा हूँ, ये मादा है। हाँ वो मादा, ये ना रहे। ये देखें भाई दोनों की आँखें दिखाएँ सन भाई साहब, ये देखें भाई दोनों की आँखें देखें माशाल्लाह। और कमेंट जो आप लोगों ने अच्छे अच्छे करने हैं माशाल्लाह जो लाजमी आप लोगों ने कहना है, ये देखें। और सबसे बड़ी बात ये फैंसी वाले नहीं है कबूतर मेरे पास जो, ये माशाल्लाह से उड़ते भी हैं। अच्छा उड़ते भी, हाँ ये उड़ने वाले भी कबूतर हैं, अगर आप इन्हें उड़ानों में डालेंगे तो उड़ेंगे, वरना लोगों ने जो खूबसूरत बनाने के लिए फैंसी करे हुए ना उन्हें। हाँ बिल्कुल, मतलब ये अपनी खूबसूरती के अंदर भी है, हाँ ये खूबसूरती में भी है और ये उड़ान में परवाज में भी जो है ना, बहुत बहुत कड़वे कबूतर हैं, सियाने कबूतर हैं माशाल्लाह से। ये इनके बच्चे भी ना आते घर आते, मतलब अभी ये वक्त के साथ साथ जो बिल्कुल जगह हो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे ये, थोड़ा खुले हुए रहेंगे कान झुमके कांटे इनके। चलें दोस्तों ये जितने भी कबूतर हैं अभी आप लोगों को जो छोड़ कर दिखाते हैं। दोस्तों ये जो आप देखें माशाल्लाह से, ये शाहिद भाई के घर से जो आप अभी आप लोगों को शो करवा रहे हैं, ये इनके जो डब वाले कबूतर हैं और माशाल्लाह इंडिया वालों के लिए जो बेहतरीन एक सौगात है। कबूतर आप देखें, कलर चेक करें इन कबूतरों का, और माशाल्लाह जो आप लोगों ने लाजमी कहना है कबूतर जो है काफ़ी समझ लें कड़वे हैं, जिस तरीके से बैठे हैं आप लोगों का अंदाज़ा हो रहा होगा। ये कबूतर देखें माशाल्लाह से, एक से बढ़कर समझ लें एक कलर है। तो अगर मैं अभी दिखाने पे आऊँ सारे कबूतर, तकरीबन समझ लें कोई एक डेढ़ महीना लगेगा इनकी छत से जितने भी कबूतर हैं, क्योंकि एक एक नस्ल का कबूतर जो है तकरीबन 10 से 20 नस्ल के, मतलब एक नस्ल के जो है 10 से 20 कबूतर हैं इनके यहाँ पे। ये देखें माशाल्लाह से कबूतर चेक करें, स्टैंडिंग देखें इनकी माशाल्लाह, कलर चेक करें, इसमें 2 से 3 कलर के जो कबूतर हैं। ये देखें आँखें देखें इनकी, ठीक है ठीक है। और ये जो है शाहिद भाई ने समझ लें, ये जितने भी कबूतर हैं ये पहले किसी को कभी दिखाए नहीं है, ये जो है सिर्फ समझ लें हमारी मोहब्बत में जो है अभी इसको शौक करवा रहे हैं इन कबूतरों का। इंशाल्लाह आगे भी जो इनके कबूतरों जितने भी नगीन हैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, नर देखें। चलें अभी आप लोगों को जो है कुछ और कबूतर हैं लाल आँख वाले, उनका ज़रा आप लोगों को शौक करवा दें। ऐसी जालदार आँखें माशाल्लाह, आँखें देखें भाई, इसके बच्चे भी हैं, मतलब अगर जब उड़ाने वाले शौक लगे तो जाल से निकाल लो। बस असल में मेरे पास आपको पता है मेरे काम ऐसा है कि मेरे नर की पट्टी है, पर देखें भाई इसका माशाल्लाह। ये देखें इनकी चाल डाल देखें माशाल्लाह, ये कबूतर देखें किस तरह के सर, मतलब समझ लें अल्लाह की तारीफ है माशाल्लाह से। आँख देखें कैसे गुच्छे बने हुए इसके अंदर, आँखों में अभी जो आप लोगों ज़रा इसकी आँख वगैरह शो करवा दें। दुकान पे ही रखे हुए हमने, तो दुकान पे आते 11 बजे और शाम से रात में हम जो है ना तकरीबन 8 बजे चले। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह।